श्रेणी कर रहे हैं। इस फूरिये श्रेणी के अंदर हम इसमें समफलन और विषम फलन के बारे में बात कर ली थी। समफलन और विषम फलन के अंदर एग्जांपल हम कर रहे हैं आज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहां ये हमारे पास निश्चित है कि माइनस पाई से प्लस पाई में फलन को परिभाषित किया हुआ होगा, तभी इनका उपयोग करेंगे हम। और हमें इसमें जो भी भाग दिए हुए हैं वो बाकी के पार्ट सिद्ध करने हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बनता है जो कि एक्स स्क्वेयर के इक्वल आएगा, यानी फंक्शन के इक्वल आ रहा है, अर्थात एफ एक्स जो है वो एक समफलन है। अगर समफलन है तो एक तो ए ज़ीरो का मान निकलेगा, ए ज़ीरो का मान वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स वन अपॉन पाई जीरो टू वन अपॉन टू पाई, उस केस में आता है जब माइनस पाई से प्लस पाई होता है। एग्जाम्पल मैं कैसे भी किया हो, मैं जो कल फॉर्मूले बताए थे उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। मैंने कल ये बताया था कि अगर एफ एक्स सम फलन है तो हमारे पास दो मान निकलते हैं, एक तो ए ज़ीरो की वैल्यू है जो वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स से, और ए एन की वैल्यू निकलती है टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स से। और एफ एक्स अगर विषम फलन है तो उस स्थिति में बी एन अकेला निकलेगा, ए एन और ए जीरो जीरो हो जाएंगे, टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, दोबारा से ए फॉर आइडेंटिटीज यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। इसलिए अगर इसको अप्लाई करते हैं तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, जीरो से पाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा, वन अपॉन पाई एक्स क्यूब अपॉन थ्री जीरो से पाई, पाई पुट करेंगे तो पाई क्यूब अपॉन थ्री पाई आ जाएगा, जिसको पाई स्क्वेयर अपॉन थ्री लिख सकते हैं। ए एन की वैल्यू वन अपॉन टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, लिमिट जीरो से पाई टू अपॉन पाई एक्स स्क्वेयर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस टू एक्स एज इट इज साइन एन एक्स का करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस ये माइनस पहले प्लस करेगा लेकिन फिर से एक बार माइनस आना है इसलिए माइनस हो जाएगा, टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर, और कॉस एन एक्स का फिर से एक बार करेंगे तो टू साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन क्यूब आ जाएगा भैया, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई। पाई पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू जीरो होती है पाई पर, साइन एन पाई जीरो, साइन एन पाई जीरो, सिर्फ कॉस एन पाई में वैल्यू आएगी तो टू पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वेयर, और जीरो रखने पर ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो होगा क्योंकि एक्स के कारण जीरो बन जाएगा, सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा। पाई से पाई कैंसिल, टू और टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू माइनस वन की पावर एन, कॉस एन एक्स की एन पाई की वैल्यू जो है वो माइनस वन की पावर एन बन जाएगी। ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फूरियर सीरीज यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ए एन कॉस ऑफ एन एक्स। इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल्स टू ए जीरो की जगह पर वैल्यू निकाली थी हमने पाई स्क्वेयर अपॉन थ्री प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट, ए एन की वैल्यू थी फोर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू माइनस वन की पावर एन कॉस ऑफ एन एक्स। इसमें सॉल्व कर लेते हैं, फूरियर सीरीज बन गई, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन थ्री प्लस फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एन की जगह वन पुट करेंगे तो माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, वन पुट करेंगे
तो माइनस का आएगा वन अपॉन वन स्क्वेयर कॉस एन एक्स, एन की जगह वन रखे हमने, एन की जगह टू रखेंगे तो प्लस का वन अपॉन टू स्क्वेयर कॉस टू एक्स, थ्री रखेंगे माइनस का वन अपॉन थ्री स्क्वेयर कॉस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन फोर स्क्वेयर कॉस फोर एक्स एंड सो ऑन, चलता जाएगा इसी प्रकार से। ये हमारे पास फूरियर सीरीज बनेगी। अब हमें निगमन करना है। निगमन में सबसे पहले हमें पाई स्क्वेयर बटे छः निकालना है, फिर पाई स्क्वेयर बटे बारह मान निकालना है, और फिर पाई स्क्वेयर बटे आठ का मान निकालना है। एक्स का मान सबसे पहले इसमें माइनस पाई रखो। अगर माइनस पाई रखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये बन जाएगा पाई स्क्वेयर बराबर पाई स्क्वेयर बटे तीन प्लस चार गुना कोस पाई का मान माइनस एक होता है, प्लस कोस दो पाई का मान प्लस एक होगा, कोस तीन पाई का मान माइनस एक होगा, कोस चार पाई का मान, इस तरह से ये चलता रहेगा। पाई स्क्वेयर बटे तीन प्लस का इधर आएगा तो पाई स्क्वेयर में से पाई स्क्वेयर बटे तीन घटा देंगे, एक बटे एक स्क्वेयर, एक बटे दो स्क्वेयर, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दो पाई स्क्वेयर बटे तीन आ जाएगा और चार गुना में ये पार्ट बच जाएगा। इसको सॉल्व करें दो दूनी चार पाई स्क्वेयर बटे आ जाएगा छः, यहाँ आ गया एक बटे एक स्क्वेयर, एक बटे दो स्क्वेयर, एक बटे तीन स्क्वेयर, और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, जो कि पहला पार्ट था जो हमें इसमें प्रूफ करना था। चाहे आप प्लस पाई रखो चाहे इसमें माइनस पाई रखो, दोनों से हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप कोई मर्जी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक्स की जगह जीरो रख लो, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो बराबर पाई स्क्वेयर बटे तीन प्लस चार गुना कोस जीरो का मान एक होता है माइनस एक बटे एक स्क्वेयर, कॉस जीरो सभी में कॉस जीरो ही बनेगा, प्लस एक बटे दो स्क्वेयर माइनस एक बटे तीन स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश, ये पाई स्क्वेयर बटे तीन प्लस का इधर आएगा माइनस का चार गुना में भाग में आएगा तो माइनस का पाई स्क्वेयर बटे बारह, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक बटे एक स्क्वेयर माइनस एक बटे दो स्क्वेयर एक बटे तीन स्क्वेयर, एक प्लस एक माइनस चलेगा एक बटे चार स्क्वेयर माइनस डैश डैश डैश, हमने इसमें लिया था माइनस कॉमन तो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का और आगे वाले प्लस के हो जाएंगे, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बाकी जो है वो पाई स्क्वायर बटे बारह का आंसर आ जाएगा जो सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, पाई स्क्वायर बटे छः और पाई स्क्वायर बटे बारह, ये जो फर्स्ट और सेकंड दो रिजल्ट निकाले हैं हमने इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये मैं एक बार फॉर्मूले जो लिखे थे वो हटा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट के लिए इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा इसका। पाई स्क्वेयर बटे छः में पाई स्क्वेयर बटे बारह जोड़ेंगे, बारह लघुत्तम आ जाएगा, दो पाई स्क्वेयर प्लस एक पाई स्क्वेयर यानी तीन पाई स्क्वेयर बटे बारह आ जाएगा, तीन पाई स्क्वेयर बटे बारह का मतलब पाई स्क्वेयर बटे चार आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक बटे एक स्क्वेयर दो गुना हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, एक दो बटे एक स्क्वेयर आ जाएगा, ये कट जाएगा दो बटे तीन स्क्वेयर दूसरा कट जाएगा, तो यहाँ पे दो बटे तीन स्क्वेयर दो कॉमन ले लिया हमने इसलिए एक बटे तीन स्क्वेयर एक बटे पाँच स्क्वेयर, इस तरह से चलता जाएगा, दो गुना में भाग में आ जाएगा पाई स्क्वेयर बटे आठ बराबर एक बटे एक स्क्वेयर प्लस एक बटे तीन स्क्वेयर प्लस एक बटे पाँच स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार से हमें फूरियर सीरीज में सॉल्यूशन करना है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, जिसमें हमें साइन पी एक्स बराबर सिद्ध करना है कि दो बटे पाई साइन पी पाई साइन एक्स बटे वन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस दो साइन दो एक्स बटे दो स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। इसको प्रूफ करने के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन पी एक्स, और अगर इस साइन पी एक्स के लिए माइनस एक्स पुट करके देखें तो साइन ऑफ पी माइनस एक्स आएगा जो माइनस साइन पी एक्स बनाएगा, अर्थात माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी एफ एक्स जो है वो एक विषम फलन है। विषम फलन, अगर विषम फलन की स्थिति हो तो इसमें बी एन का मान निकाला जाता है,
बी एन टू अपॉन पाई 0 टू पाई साइन ऑफ पी एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। समाकलन करेंगे, समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसमें साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसके अनुसार साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी पी प्लस एन ऑफ एक्स प्लस माइनस, पहले माइनस का आता है फिर प्लस का आता है, इसमें होता है कॉस ऑफ, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी पूरे के अपॉन में टू। ये फार्मूला अगर लगाते हैं तो इसमें आप इन दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं, तो हम इसमें एन माइनस पी ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एन प्लस पी ऑफ एक्स अपॉन टू लिखेंगे, दो से ये दो कैंसिल, वन अपॉन पाई कॉस का समाकलन करेंगे साइन आएगा एन माइनस पी ऑफ एक्स अपॉन एन माइनस पी माइनस साइन ऑफ एन प्लस पी ऑफ एक्स अपॉन एन प्लस पी, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई तक। अगर सबसे पहले पाई पुट करते हैं, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, किसमें अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप दोनों में से ए किसको लेट कर रहे हो और बी किसको लेट कर रहे हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास ए की वैल्यू जो है वो सेकंड पार्ट में बन सकती है, कोई जरूरी नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा वन अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ एन माइनस पी ऑफ पाई अपॉन एन माइनस पी माइनस साइन एन प्लस पी ऑफ पाई अपॉन एन प्लस पी, जीरो रखने पर जीरो ही आएंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना है अभी हमें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसमें सूत्र लगाते हैं, एक बटे पाई साइन एन पाई माइनस पी पाई अपॉन एन माइनस वन पी माइनस साइन एन पाई प्लस पी पाई अपॉन एन प्लस पी, वन अपॉन पाई साइन एन पाई माइनस थीटा। अब साइन एन पाई माइनस थीटा जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए या तो आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए और या फिर एन पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा, एन पाई में से यानी एन की जगह वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिपेंड करेगा। अगर इवन नंबर है तो माइनस का आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो प्लस का बनेगा। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम फार्मूला लगा लें। इसमें बनेगा साइन एन पाई कॉस पी पाई माइनस कॉस एन पाई साइन पी पाई अपॉन एन माइनस पी, माइनस का उसमें भी फॉर्मूला एन पाई कॉस पी पाई प्लस कॉस एन पाई साइन पी पाई अपॉन में एन प्लस पी, फॉर्मूला लगाया दोनों में साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का। साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये जीरो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये स्टेप बचेगा। इसमें भी साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। कोस एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन होती है, तो यहां पे जो स्टेप बचेगा वो होगा हमारे पास बी एन इक्वल्स टू वन अपॉन पाई इंटू माइनस वन की पावर माइनस ऑफ माइनस वन की पावर एन कॉस पी पाई साइन पी पाई अपॉन एन माइनस पी और प्लस माइनस वन की पावर एन साइन पी पाई अपॉन एन प्लस पी। देख लो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये तो जीरो हो गया पूरा स्टेप ही।
इसमें कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन होती है, माइनस वन की पावर एन पुट कर दिया, इंटू साइन एन पाई पी पाई बच गया, ये भी जीरो हो जाएगा और इसकी जगह माइनस वन की पावर एन बन जाएगा, साइन पी पाई बन जाएगा, अपॉन में जो पार्ट है वो एज इट इज कॉमन आ रहा है, माइनस वन की पावर एन साइन पी पाई को कॉमन ले लेते हैं, अपॉन में पाई, इसमें लघुत्तम एन माइनस पी एन प्लस पी, इस एन प्लस पी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन माइनस पी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एन माइनस पी, एन से ही एन कैंसिल, जो पार्ट बचा हमारे पास वो है माइनस का टू माइनस वन की पावर एन पी साइन पी पाई अपॉन पाई इंटू वन अपॉन एन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ये स्टेप हमारे पास इसमें रिमेनिंग पार्ट बचा, एक माइनस का साइन ये रह गया अभी यहां पे, सॉरी ये प्लस की जगह माइनस का साइन है, माइनस साइन आएगा तो ये माइनस का और ये प्लस का होगा, अब क्यू आर कैंसिल जो होगा वो हमारे पास पी कैंसिल होगा, जिससे माइनस का टू एन बचेगा यहां पे, ये इस एन को भी इसके साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी पार्ट को बाहर ले लेते हैं हम कहां से, इस स्टेप में साइन एन पाई की वैल्यू तो हमारे पास जीरो थी, ये बच गया कॉस एन पाई साइन पी पाई, कॉस एन पाई को माइनस वन की पावर एन लिख दिया, साइन पी पाई एज इट इज अपॉन एन माइनस पी, माइनस वन की पावर एन साइन पी पाई अपॉन एन माइनस पी, माइनस का साइन जो हमारे पास इसमें पहले से था वो एज इट इज, इसमें भी ये पार्ट जीरो हो गया, इसको माइनस वन की पावर एन लिखा है साइन पी पाई अपॉन एन प्लस पी, माइनस वन की पावर एन साइन पी पाई अपॉन एन प्लस पी, माइनस का साइन पहले से था, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, लघुत्तम सॉल्व किया, ये बन गया, ये वैल्यू अगर हम फूरियर सीरीज में पुट करें साइन पी एक्स बराबर सिग्मा बी एन इंटू साइन एन एक्स, बी एन का मान माइनस टू माइनस वन की पावर एन को उसके सिग्मा के साथ में रखना पड़ेगा हमें, साइन पी पाई अपॉन पाई एज इट इज, यहां पे आ जाएगा सिग्मा के अंदर माइनस वन की पावर एन एन अपॉन एन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स, माइनस का टू साइन पी पाई अपॉन पाई, यहां वन पुट करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर साइन एक्स, प्लस टू अपॉन टू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर साइन टू एक्स, माइनस थ्री अपॉन थ्री स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर साइन थ्री एक्स डैश डैश डैश, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो जो हमें आंसर चाहिए वो आ जाएगा टू अपॉन पाई साइन पी पाई साइन एक्स अपॉन वन स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस टू साइन टू एक्स अपॉन टू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था। समफलन की स्थिति में हमारे पास a0 और an की वैल्यू निकलेगी, bn नहीं आएगा इसमें, अब qr सबसे पहले a0 निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 से पाई fx dx, समाकलन करेंगे 1 अपॉन पाई साइन px अपॉन p लिमिट 0 से पाई, जिसका बन जाएगा साइन पी पाई अपॉन पी पाई, ए एन का मान निकालेंगे टू अपॉन पाई जीरो टू पाई, यहां आ जाएगा आपके पास एफ एक्स यानी कॉस पी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा कॉस ऑफ आप पर डिपेंड करता है ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो पी माइनस पी प्लस एन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ पी माइनस एन ऑफ एक्स अपॉन टू डी एक्स, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा,
वन अपॉन पाई, इसका आ जाएगा साइन पी प्लस एन एक्स अपॉन पी प्लस एन साइन पी माइनस एन एक्स अपॉन पी माइनस एन जीरो से पाई। पहले पाई पुट करेंगे, साइन पी प्लस एन ऑफ पाई अपॉन पी प्लस एन साइन पी माइनस एन ऑफ पाई अपॉन पी माइनस एन, जीरो रखने पर जीरो आ जाएंगे। फिर से उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, साइन पी पाई कॉस एन पाई प्लस साइन पी पाई कॉस पी पाई साइन एन पाई अपॉन पी प्लस एन प्लस साइन पी पाई कॉस एन पाई माइनस कॉस पी पाई साइन एन पाई अपॉन पी माइनस एन। फिर से वैल्यू निकालेंगे, कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस एक की पावर एन है और साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, तो उसके अनुसार हमारे पास पार्ट आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू वन अपॉन पाई, इसमें आ जाएगा माइनस एक की पावर एन साइन पी पाई अपॉन पी प्लस एन, और इसमें जब साइन इसमें ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का आएगा माइनस एक की पावर एन साइन पी पाई अपॉन पी माइनस एन, माइनस एक की पावर एन साइन पी पाई कॉमन है, लघुत्तम ले लेंगे पी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर बन जाएगा, पी माइनस एन प्लस पी प्लस एन बनेगा, एन से एन कैंसिल, ये बन जाएगा दो पी बटे, यहाँ पाई और था इसके साथ में, तो पाई इंटू माइनस एक की पावर एन साइन पी पाई अपॉन पी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। फूरियर सीरीज बन जाएगी कॉस पी एक्स बराबर साइन पी पाई अपॉन पी इंटू पाई प्लस सिग्मा दो पी माइनस एक की पावर एन साइन पी पाई अपॉन पी स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू पाई कॉस एन पाई कॉस एन एक्स। सबसे पहले एन की जगह वन रखेंगे, साइन पी पाई बटे पी पाई प्लस दो पी बटे पाई साइन एन पी पाई एज इट इज कांस्टेंट है, एन की जगह वन रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस एन कॉस एक्स बटे पी स्क्वेयर माइनस एक का स्क्वेयर, एन की जगह दो रखेंगे तो प्लस का कॉस दो एक्स बटे पी स्क्वेयर माइनस दो स्क्वेयर, तीन रखेंगे तो माइनस का कॉस तीन एक्स बटे पी क्यूब पी स्क्वेयर माइनस तीन स्क्वेयर, और इस तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग एक तो दो बटे पाई और पी और साइन पी एक्स कॉमन आ रहा है इनमें से, एक तो कॉमन ले रहे हैं इसमें से दो बटे पाई साइन पी पाई और एक पी, इसमें से साइन पी पाई बटे पाई तो कॉमन आ गया, दो पी नहीं है, एक बटे दो पी स्क्वेयर हो जाएगा, इसमें दो पी साइन पी पाई बटे पाई पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ये बाकी का एज इट इज रह जाएगा, कॉस एक्स बटे पी स्क्वेयर माइनस एक का स्क्वेयर कॉस दो एक्स बटे पी स्क्वेयर माइनस दो का स्क्वेयर प्लस माइनस डैश डैश डैश, जो कि सेकंड पार्ट था इसका प्रूफ करना था। तीसरा पार्ट और कर रहे हैं इसमें, एक्स की जगह पर पाई रखेंगे कॉस ऑफ पी पाई बराबर दो पी बटे पाई साइन पी पाई एक बटे दो पी स्क्वेयर, ये कॉस पाई बनेगा जिसका मान माइनस एक होता है, तो प्लस एक बटे पी स्क्वेयर माइनस एक स्क्वेयर हो जाएगा,
कॉस 2π बनेगा जिसका मान 1 होता है प्लस का, तो पी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। साइन पी पाई का भाग दे दें, इसके बटे में ले आए तो ये कॉट पी पाई बन जाएगा बराबर 2π/π, 1/2π² प्लस 1/p² माइनस 1 स्क्वेयर, 1/p² माइनस 2 स्क्वेयर, पी पाई को अगर यू मान लिया, यू मानेंगे पी पाई की जगह पर, तो ये कॉट यू बन जाएगा। यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो देखो पी से इसमें पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हैं ताकि बी हटा दिया जाए हमारे पास, क्योंकि पूरा जो हमें प्रूफ करना है उसमें पी कहीं नहीं है, या पी की वैल्यू पुट कर देते हैं यू अपॉन पाई, तो 2u/π बन जाएगा, ये स्क्वेयर हो जाएगा 1/, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई स्क्वेयर अपॉन 2u² हो जाएगा, प्लस यहां वैल्यू पुट करके लघुत्तम लेंगे तो पाई स्क्वेयर 2u² माइनस पाई स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस पाई स्क्वेयर 2u² माइनस 2 स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बन जाएगा, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। पाई स्क्वेयर कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो है वो हमें प्रूफ करना था, आंसर है ये हो जाएगा कोट यू बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, 1/u बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, 2u/u² माइनस पाई स्क्वेयर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u/u² माइनस 4π², जो हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में।